शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, यामी गौतम और दिव्येंदु शर्मा स्टारर फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू कर रही है अब भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल। विंडो डाउन होने का नाम नहीं ले रही है ये फिल्म। जानिए क्या है फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की 13 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल PMS मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इस तरह की खबरें लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू अब भी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। इस फिल्म में सीरियस मुद्दे के साथ ह्यूमर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लेंड किया गया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दिव्येंदु शर्मा की फैक्ट्री का बिल 54 लाख रुपए आता है। इस पर वो हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। अपने दोस्त की मौत से परेशान शाहिद कपूर निकल जाते हैं अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए। बाकी की कहानी के लिए सिनेमा घर का रुख करिए। इसी के साथ हम यदि आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताएं, तो आप जान लें कि इस फिल्म ने अपने रिलीज के 13 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 27 करोड़ 27 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। तो चलिए इसी खबर के साथ अब हमें दे दीजिए इजाजत। मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।